तुम्हें क्या लगता है, रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता। ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। आओ। अरे लेकिन मुझे तो पता है। ए भाई आंटी अपनी साइड है, लेकिन ऐसा आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा, मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? क्या खास बात? नताशा, तुम रॉकी से दूर रहना। क्या? ए? क्यों? क्या हुआ? अरे नताशा, वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना। हाँ, लंगड़ा है वो। भाई मुझे क्यों मारो? और किसको मारूं नहीं तो? मैंने नेट पे सारे आर्किटेक्चुरल इंस्टीट्यूट्स के नाम चेक कर लिए, रॉकी हीरानंदानी का नामो निशान नहीं है उसमें। भाई 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 क्या कर भाई? लेकिन उसने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने वेबसाइट का नाम अपनी डायरी में लिखा है, तुम चेक कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अपाहिज होने का महसूस मत होने दो नताशा। नताशा नहीं, मैंने उसके घर का पता भी ढूंढ निकाला, दो चार दिन में उसकी सारी पोल खोल दूंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा भाई, भाई। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। लेकिन वो तो शाम को 6 बजे आ रहा है ना, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। अबे वो आ रही है, भाग। अबे गाड़ी लेके भाग, जल्दी कर। भाई भाई वो आ गए। क्यों बताया मेरी बात को? अरे क्यों उजाड़ना चाहता मेरे घर को? क्या दुश्मनी निकाल रहा तू? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों बताया मेरी माँ को तूने? क्या कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कैप्टन हूँ, क्यों बताया? अरे तू जानता नहीं है कि मेरी माँ सख्त नफरत करती है पानी और समुद्र से। क्यों नफरत करती है भाई? क्यों नफरत करती है मैं बताता हूँ। क्या बोलूं भगवान, क्योंकि मेरे पिताजी सम्राट जहाज में कैप्टन थे और मेरा बड़ा भाई वाइस कैप्टन। जब सम्राट जहाज ने समुद्र में जल समाधि ली तब दोनों का देहांत हो गया। तब से मेरी माँ समुद्र और पानी से सख्त नफरत करती है। बचपन में मुझे नहाने तक नहीं देती थी, पड़ोसियों के घर में जाके छुप छुप के नहाया करता था मैं। लेकिन अफसोस, मेरे खून के रगों में मेरे पिताजी दौड़ रहे थे और एक दिन समुद्र ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन तुम क्यों बताया मेरी माँ को कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कप्तान हूँ? क्यों मेरे भाई, क्यों बताया तूने? शांत हो जाओ भाई। कर दिया ना अनाथ मुझे तूने। अरे कौन करेगा इस बच्चे से प्यार, अब तू बता कौन करेगा इस बच्चे से प्यार? कहाँ से पाऊंगा माँ का प्यार अब, तू बता। नताशा, तुम कब आई नताशा? बबलू कम से कम बता तो देता कि नताशा आई हुई है, तू भी ना पागल है। नताशा मैं ये कहना चाहता था कि मार्केट है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रॉकी तुम आज की बात बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम कितनी अच्छी हो। बहुत अच्छी हो तुम,
मुझे माँ का प्यार भी तुम्हें से मिलेगा। तू मंकी? थैंक्स। ओए, तू भी ना क्या? डॉकी, ये क्या कर रहे तुम? पागल हो गए क्या? दूर हटो, जाओ। नताशा, मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो ये पागल कुत्ते की तरह इधर झपटा और इसने मुझे यहाँ काटा। ये झूठ बोल रहे, मैं तो इनको गले लगा रहा था, गले लगा रहा था। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो फूल देने आया था, मैं हर रोज देने आता हूँ ना, तो ये बोला तू नहीं देगा, तू फूल नहीं देगा, और इसने मुझे काटा। मैंने कब काटा? तूने काटा? मैंने काटा इसको भाई, मैंने कुछ मेरा गला दबाने लगा तो अच्छे हुए तू टाइम पे आ गए, ये तो हाथ के साथ साथ मेरा गला भी। हाँ, तू कंफर्टेबल हो गया अंदर? ये बकवास कर रहा है नताशा। तुम्हें पता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी शर्म आई थी तुम्हें? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुना है। मैं चलो नताशा, चलो प्लीज गो। कौन सा परफ्यूम लगा है? नाइस परफ्यूम नताशा, नाइस। तुम ही लगाना। ये साला टूंडा हड्डी मेरे हाथ में दे गया, कबाब खुद लेके चला गया, कोई बात नहीं। और ये जो आपने दो दो चिकन मसाले खाए हैं उसका क्या? कहाँ से आई ये चिकन मसाले? आपकी जेब से, आपकी अय्याशी का बिल। 4 बियर, 2 चिकन मसाला, 6 नान, दाल महाराजा। अच्छा, मुझे बोलते हैं नवरात्रि का उपवास रख, और आप रोज मनाते हैं क्रिसमस। अबे ये टुंडे की जेब से गिरा होगा। मतलब टुंडा इतना अय्याश है? अबे ये टुंडे की ना कुंडली पता करनी पड़ेगी। कहाँ का बिल है ये? इस बार साले इधर बैठ। नताशा को पटाने के लिए हाथ से लूला और दिमाग से ढीला। हाँ, अभी नताशा को तेरी असलियत बताता हूँ। इसको कैमरा बता जहाँ इसका डांस बंद है। क्या कर रहा है तू? ये पाप होगा, घोर पाप होगा। ये क्या कर रहा है तू? अगर नताशा को इसके बारे में पता चलेगा क्या बीतेगी बेचारी के दिल पे? और हम दोनों का तो, मैं तो शादी का कार्ड भी भेजने वाला था। ऑलमोस्ट फाइनल है। सब फाइनल है ना? फाइनल है। इसकी भी फुल एंड फाइनल पेमेंट दे ही देता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? दो मौत का कलम क्यों अपने सर पे ले रहा है तू? अबे दो मौत कैसे बे? जब नताशा को मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा क्या करेगी वो? खुदकुशी नहीं करेगी? और दूसरी? और जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो ये जी के क्या करेगा? मैं जी के क्या करूंगा? हाँ? भाई, भाई छोड़ दो। अबे इसको कैसे छोड़ो, हराम खोर को? इसको नहीं, नताशा को। तू चुप रह, तू जा। सुन बे ओ, आज के बाद जैसे मैंने बोला वैसे तूने नताशा के सामने करना, समझे? वरना तेरी एक आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव सब लूला कर दूंगा, याद है ना? हाँ, और जोर से हिला कर देना। हाँ, याद रखना। ओह, आई एम सॉरी, कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल बोट राइड। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली रॉकी, आई एम सॉरी फॉर दैट डे। मुझे टॉमी ने कहा कि उस दिन टॉमी ने तुम्हें काटा था। अरे भूल जाओ, अब तो बहुत पक्की दोस्ती हो गई है।
क्यों भाई टॉमी? बेवकूफ, झूठे, मक्कार। टॉमी, ऐसा मैं सोचता था पहले तुम्हारे बारे में। और अभी? गधा, बेवकूफ, अनाड़ी। टॉमी, मैं था जो पहले इसके बारे में ऐसा सोचता था। आई एग्री, आई एग्री। तो अब तुम क्या सोचते हो रॉकी के बारे में? सच पूछा जाए तो रॉकी जैसा जालसाज, कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। व्हाट? ऐसा मुझे भगवान भी आके कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तो डरी गई थी। मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मुझे मालूम है कि ये मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है। मेरे कान पका दिए इसने बोल बोल के। रॉकी जी, मुझे बोर्ड की सफाई करनी है रॉकी जी। अच्छा, एक घंटा कर ले बोर्ड की सफाई बस। एक घंटा? बाबा दो घंटे कर ले, इससे ज्यादा क्या करेगा तू? नहीं 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 नहीं, देख दीदी कितनी भोली शक्ल है। अच्छा वो देख के चल, चार घंटे अलाउ करता तू, चार घंटे तू सुन लेके। किसकी दीदी? किसकी दीदी? नहीं तो क्या दादी है? और सुन, ये हाथ ज्यादा इस्तेमाल मत करना, टूटा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल मत करना। और बोर्ड की अच्छी तरह सफाई करना, मैं जरा इसको बता के आता हूँ, ठीक है? आ जा बेटा, आ जा। सुन, पाँच छह घंटे तक स्पोर्ट से बाहर निकलना मत, समझे? और यहाँ से जब मैं जाऊँ ना तो जोर से थैंक यू बोलना, समझे? नहीं तो मैं नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा सब झाड़ू कट का मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ, कम। थैंक यू, बाय टॉमी, बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।